थाना राया क्षेत्र के गांव सारस के समीप एक गाड़ी ने विद्युत पोल को तोड़ते हुए दो बाइक सवारों को रौंद दिया। इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। हादसा देखकर रोड पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बाइक सवार दूधिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बताया गया कि बीजेपी का झंडा लगी हुई एक्सयूवी गाड़ी तेज रफ्तार रोड पर दौड़ रही थी। इसी बीच बाइक सवार सुरेश और बंगाली को गाड़ी ने बुरी तरह रौंद डाला, जिससे गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई और बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि उस समय विद्युत आपूर्ति बंद थी, वरना विद्युत पोल गिरने से और भी बड़ा हादसा घटित हो सकता था। जो घटना हुई है किस तरीके से हुई? आपस में दो बाइक थी और एक एक्सयूवी गाड़ी फोर व्हीलर बाहर ने आपस में भिड़ी है। बाहर के कारण थे खम्भा टूटे हुए और दोनों गंभीर रूप से दो लोग घायल है। वहाँ में एक आदमी की हालत ज्यादा गंभीर है।